नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सनी वर्मा। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए गाइस, सो डैट हम स्टार्ट कर सके हमारी ज्योग्राफी की आज की क्लास, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। जय हिंद, जय भारत गाइस। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए गाइस, शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो लोग कनेक्ट कर चुके हैं गाइस, लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आप सभी जो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं वो मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है टीम अर्पित। मैंने सारी पेंडेंसीज क्लियर कर दी है, सारा मटेरियल मैंने डाल दिया है। आई लव यू टू गाइज, आई लव यू ऑल। जय हिंद गाइज। चलिए गाइज, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, बच्चे बड़े कम आ रहे हैं आजकल यार, अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। चलिए गाइज, शाबाश, गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून। अब गाइज 40 की तरफ अब हम जाएंगे तो स्वाभाविक है ये सब होना, है ना। ये तो शुक्र करो भगवान का कि स्पेक्सेस नहीं लगे हैं अभी तक, हैं स्पेक्स नहीं लगे हैं। स्पेक्स लग जाएंगे तो फिर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। हाँ जी, चले गाइज, शाबाश, स्टार्ट करते हैं गाइज आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप लोग घर बैठे भी पढ़ सकते हैं गाइज अनअकैडमी पर, प्लस सब्सक्राइब करके। उसके अंदर आपको मिलेंगे ढेर सारे टॉप एजुकेटर्स की मदद, उनके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, उनका मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, और आपको फ्रीडम भी मिलेगी गाइज अपने अकॉर्डिंगली मंथ्स ड्यूरेशन चूज करने की। अगर आप 3 महीने का कोर्स चूज करते हैं गाइज तो उसके लिए आपको पे करना होगा 4,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको यूज़ करना है टीम अर्पित, जो कि है एक रेफरल कोड, उससे मिलेगा आपको डिस्काउंट 10% का, जिससे आपको जो प्राइसिंग है 4,000 रुपीज़ वो डिडक्ट हो जाएगी 3,600 पे। कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ गाइज इसके अंदर टॉप एजुकेटर्स की मदद भी मिलेगी आपको, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है आपको। आप अपनी स्कूल की स्टडीज़ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एनडीए की तैयारी भी कर सकते हैं घर बैठे, बिल्कुल कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और बफरिंग ये देखिए तो शुभ संकेत नहीं है, बफरिंग पहले होने लगी, ये शगुन होता है थोड़ी सी बफरिंग होना, है ना। चले गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का फिर हमारा सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सेशन। ड्रेनेज टॉपिक है हमारा। ड्रेनेज के अंदर गाइस हम सारी वाटर बॉडीज, जो फ्लोइंग रिवर्स हैं, रिवर्स वो डिस्कस करते हैं। इंडिया के अंदर रिवर्स आपको गाइस पेरिनियल और नॉन पेरिनियल के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। रिवर्स जनरली हमारे फिजियोग्राफी के हिसाब से पेरिनियल, मतलब कि जो सीजनल नहीं है, 12 के 12 महीने वो पानी से अवेलेबिलिटी पानी की रहती है वहाँ पर, ठीक है, कभी सूखती नहीं है। नॉन पेरिनियल जो कि भैया मानसून के ऊपर डिपेंड है, रेन के ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तब उनको पानी मिलता है। तो पेरिनियल आपको हिमालयाज में, नॉन पेरिनियल आपका पेनिनसुलर इंडिया के साथ साथ जो सेंट्रल हाईलैंड्स। आई होप सभी को समझ आ रहे हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है जी, ड्रेनेज सिस्टम डिवाइडेड इनटू पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल। पेरिनियल आपकी हिमालय की रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, ऑलराइट। उसके बाद नॉन पेरिनियल में हम करेंगे पेनिनसुलर एंड द सेंट्रल हाईलैंड रिवर्स, राइट। हिमालयन रिवर्स के अंदर ड्रेनेज बेसिन आते हैं 3 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज योर इंडस, सेकेंड इज योर गंगेज, थर्ड वन इज योर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमालय रिवर के अंदर 3 जो इम्पोर्टेंट अपने बेसिन है, उसके अंदर गंगा को आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। गंगा को लव यू अभय शर्मा। नोट कर लिया सभी ने,
ड्रेनेज इंडिया के अंदर पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल। पेरेनियल मतलब क्या होता है इसका, जो पूरे साल पानी की अवेलेबिलिटी जिसमें रहती है, जो कभी भी सूखती नहीं है रिवर्स, वो है पेरेनियल। ऑल राउंड ईयर वो चलती रहती है, ठीक है। नॉन पेरेनियल रिवर्स जो कि सीजनल है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है, रेनफॉल से उनको पानी मिलता है तब वो फ्लो करती है। पेरेनियल के अंदर हिमालयस, क्योंकि ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर, तो वो मेल्ट होते रहते हैं और पानी कभी भी सूखता नहीं है, नदियाँ हमेशा बहती रहती है, ठीक है। उसके अंदर गाइस तीन इंपॉर्टेंट बेसिन आएंगे। मैंने बेसिन का नाम लिया है तो बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, बेसिन क्या होता है, बेसिन गाइस जितने भी एरिया से रिवर फ्लो करके, या हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आकर मर्ज हो जाती है मेन रिवर में, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं अपना रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया, राइट। रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल गंगा की अगर हम बात करें, गंगा भैया उत्तराखंड से निकलती है, यूपी क्रॉस करते हुए बिहार वेस्ट बंगाल के अंदर से फ्लो करते हुए बंगाल में एंटर कर जाती है, इट मीन्स बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अब आप कहेंगे कि राजस्थान कैसे गंगा के बेसिन में आता है। चंबल रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है आपके मध्य प्रदेश राजस्थान रीजन में, वहाँ से फ्लो करके यमुना में मर्ज होती है, और यमुना फर्दर मर्ज होती है आपके गैंगेस में, तो ऑटोमेटिकली चंबल बिकेम्स अ पार्ट ऑफ गंगा, ठीक है, और वो उसके कैचमेंट एरिया में आ जाता है। ठीक है, क्लियर। गंगा को डिस्कस करते हैं गाइस। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, गंगा रिवर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, इसके ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करेंगे। इट इज वन पोर्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, दिस इज नॉट द कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम, दिस इज वन पोर्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ओनली। मैंने आपको ओवर ब्रीफ कर दिया है कैसे पेरेनियल नॉन पेरेनियल, पेरेनियल के अंदर हिमालयस, हिमालयस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट बेसिन है, इंडस, गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र, उसमें हम गंगा को आज करेंगे डिस्कस। स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। उससे पहले इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे गाइस। ड्रेनेज बेसिन इज एनी एरिया ऑफ द लैंड वेयर प्रेसिपिटेशन कलेक्ट्स एंड ड्रेन ऑफ इनटू अ कॉमन आउटलेट। भैया बारिश होती है और वो कॉमन आउटलेट में जाकर मर्ज हो जाती है, पानी अपना सारा का सारा रिवर में, बे में, या किसी अदर वाटर बॉडी के अंदर वो जाकर उससे उसके बाद मर्ज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको चंबल और गंगा का एग्जांपल देके बताया, ठीक है। अ ड्रेनेज बेसिन इंक्लूड्स ऑल द सरफेस वाटर, सारा सरफेस वाटर जिसके अंदर भैया रेन का पानी, स्नो मेल्ट, हेल, स्लीट, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सारे स्ट्रीम ये सभी भैया डाउन स्लोप बहते हुए जाते हैं और एक कॉमन आउटलेट के अंदर मर्ज हो जाते हैं। कॉमन आउटलेट यहाँ पर गंगा है, ठीक है। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ऑफ रिवर, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है तो उसका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। यमुना इज अ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। यमुना राइट हैंड से मर्ज होती है क्योंकि फ्लो उसका जो है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, दिस वन गंगा इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब इसके राइट में जो रिवर्स आएगी वो राइट हैंड कहलाएगी और जो लेफ्ट में आएगी वो लेफ्ट हैंड कहलाएगी, ठीक है। हम उसकी डायरेक्शन में जाके देखेंगे, हम जिस तरीके से उसको देख रहे हैं हम अपनी डायरेक्शन से नहीं देखेंगे उसको, हम गंगा जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन में ही देखेंगे, राइट, क्लियर। डन। जय हिंद गाइस। स्माइल भी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भी, बातें भी करेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाते वक्त गाइस मेरी पूरी कंसंट्रेशन इस पर है, तो इसलिए यस, चलिए क्लियर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड समझ आ गया, रिवर का ड्रेनेज बेसिन समझ आ गया, कॉमन डिमार्केशन समझ आ गई सभी को इंडिया के अंदर ड्रेनेज पैटर्न की,
राइट, चलिए और बताइए। चलिए आज के कंटेंट के अंदर गाइस हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, गंगा रिवर की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर कौन कौन सी रिवर आती है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के अंदर यमुना, यमुना की फर्दर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, चंबल, बानस, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, केन, ठीक है। उसके साथ साथ फिर सोन रिवर, दामोदर रिवर, ये सभी राइट हैंड साइड पड़ती है गंगास की, ठीक है। यमुना, सोन, दामोदर आप लोग पहले लिखेंगे, यमुना, सोन एंड दामोदर, YSD, यमुना, सोन, दामोदर, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। आई रिपीट, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, YSD, ठीक है जी। यमुना, सोन, दामोदर। यमुना की फर्दर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, मेजर, चंबल, बेतवा, केन, राइट, उसके साथ साथ बानस एंड सिंध, क्लियर। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस वन इज गंगा इन द डार्क ब्लू कलर, राइट, दिस वन इज यमुना, यमुना के साथ मर्ज हो रही है गाइस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, क्लियर। बानस, बानस पर्टिकुलरली चंबल के साथ ही मर्ज होती है, हेयर, क्लियर, डन। इधर से गाइस सोन रिवर उठ रही है, उसकी ओरिजिनेशन यहाँ अमरकंटक प्लेटू से आगे होते हुए, अमरकंटक से आपकी नर्मदा रिवर भी उठती है, ठीक है, वहाँ से ही ये तो चली जाती है अरेबियन सी की तरफ, और ये अपना ईस्ट फ्लो करती हुई जाकर सोन मिलती है गंगा से, राइट। देन फर्दर दामोदर, दामोदर ये एक जो बाइफरकेट होकर हुगली निकलती है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, वहां से दामोदर उसके साथ मर्ज होती है, हेयर, ठीक है, क्लियर, क्लियर। फरुखा बराज से गंगा एंटर कर जाती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, अलग अलग नाम से वो डिफरेंट नाम से बांग्लादेश में फ्लो करती है, वो हम अभी देखते हैं और कहां पर वो मर्ज होती है, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्रा से, ठीक है। तो जितने भी हिमालयस रिवर है, इंडस वो करती है भैया अरेबियन सी के अंदर अपने आप को मर्ज, उसके साथ साथ चाहे आपकी ब्रह्मपुत्रा हो चाहे आपका गंगा हो, वो सब करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, क्लियर। पेनिनसुलर इंडिया में जाएंगे तो फर्दर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनटू द अरेबियन सी एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एस्टुरीज आर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया बट डेल्टाज आर ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो कि बे ऑफ बंगाल में सारी नदियां गिरती हैं, ठीक है, यस, ठीक है। YSD हो गया, यमुना, अपना सोन एंड दामोदर, ये तो हो गई आपकी राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड जो कि अपना नेपाल से, बिहार से, यूपी से नदियां निकल रही हैं, वो रामगंगा, घाघरा, काली, गंधक, भूरी, कोसी, ठीक है, दीज आर सम इम्पोर्टेंट रिवर जिसके अंदर से हम गंधक रिवर, काली रिवर ये सब पढ़ेंगे, कोसी रिवर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, क्लियर। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है और गंगा डिफरेंट स्ट्रीम्स के साथ मिलती है एंड गंगा बनती है। जैसे कि मैंने आपको ब्रह्मपुत्रा के टाइम पर भी बताया था, ब्रह्मपुत्रा जब इंडिया में एंटर करती है तो दिहांग, दिबांग, लोहित डिफरेंट डिफरेंट छोटी स्ट्रीम्स हैं, इसलिए अरुणाचल में उसका जो एरिया है बहुत कम है क्योंकि स्ट्रीम्स बह रही है। फिर वो स्ट्रीम्स जब मर्ज होती है तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। असम के अंदर आपको दिखते हैं ब्रह्मपुत्रा का मेजर एरिया, है ना, सेम ऐसे ही डिफरेंट स्ट्रीम्स गंगास की ओरिजिनेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से हो रही है एंड देन वो सारी मर्ज होती है तो आपको दिखती है गंगा एक बहुत बड़ा पोर्शन, ठीक है जी। एज यू कैन सी हेयर बहुत चार इंपॉर्टेंट धाम है हमारे हिंदुस्तान में भैया, भारत में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये तो सभी ने सुना है, जाना भी चाहते हैं सभी। केदारनाथ मूवी भी देखी है सुशांत सिंह राजपूत की, सारा अली खान की, है ना, केदारनाथ,
ठीक है, उसके साथ साथ बद्रीनाथ गंगोत्री इज द पॉइंट जहां से भैया भागीरथी ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री इज द ओरिजिन ऑफ द भागीरथी, ठीक है। दिस भागीरथी विल मर्ज विद अलकनंदा, दिस भागीरथी एंड अलकनंदा मेक गंगास, ठीक है, गंगास। फर्दर अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मर्ज होती है जो केदारनाथ से उठती है, और धौली गंगा, उसके बाद नंदाकिनी और पिंडार गंगा, ये सब मिलती है और अलकनंदा के साथ मर्ज होती है। इम्पोर्टेंट है भैया हमें जानना यहाँ पर कि गंगोत्री इज दी सोर्स ऑफ गंगा, गंगोत्री, ठीक है। वहाँ पर, वहाँ से जो स्ट्रीम निकलती है वो भागीरथी के नाम से निकलती है, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी के साथ अलकनंदा मर्ज होती है, कहाँ पर मर्ज होती है, देवप्रयाग में मर्ज होती है, ठीक है। भागीरथी एंड अलकनंदा मर्ज एंड भैया बनती है गंगा, और जहाँ पर मर्ज होती है उस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा एंड भागीरथी इंडिविजुअली चल रही है भागीरथी, लेकिन अलकनंदा के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। एक है मंदाकिनी, दूसरी है आपकी पिंडार गंगा, दिस टू आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्लियर। लो जी साइड हो गया सिद्धांत मिश्रा जी, देखिए बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। यमुनोत्री इज द सोर्स ऑफ यमुना, यमुनोत्री इज द सोर्स ऑफ यमुना, गंगोत्री इज द सोर्स ऑफ गंगा। और सुनने में आता है कि जब यमुना निकलती है अपने सोर्स से तो ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा प्योर होती है जब निकलती है अपने सोर्स से। मैं गया नहीं हूँ आज तक, मैंने सुना ही है, हाँ, लेकिन गंगा के बहुत बार देखा है, उनको एक्सपीरियंस किया है। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए, क्लियर। तो देयर आर फोर इंपॉर्टेंट सोर्सेज, वन इज यमुनोत्री इज द सोर्स ऑफ यमुना, गंगोत्री इज द सोर्स ऑफ गंगा, बट वहां से जो स्ट्रीम निकल रही है इज द भागीरथी। अनदर इज केदारनाथ, केदारनाथ से जो रिवर निकल रही है वो है आपकी मंदाकिनी, मंदाकिनी मर्ज विद योर अलकनंदा ओनली, अलकनंदा निकल रही है बद्रीनाथ से, ठीक है, बद्रीनाथ से। अलकनंदा के साथ दूसरी रिवर एक पिंडार गंगा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनको आप देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, दीज आर सम सोर्स ऑफ, दीज आर एक्चुअली स्ट्रीम्स। इसका एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, इतना जाइगेंटिक रूप में नहीं आती है। जब ये स्ट्रीम्स मर्ज हो जाती है देवप्रयाग पे, तब निकलती है भैया गंगा, जबरदस्त, है ना। चलिए, यहाँ पर अपने पास सोर्स हैं ढेर सारी रिवर्स का, ये मैं ग्रेजुअली आपके सामने बताऊंगा, लेकिन मैं जो रिवर्स हैं उसका मैं बता देता हूँ आपको साथ साथ। भागीरथी जो गंगा का मेन स्ट्रीम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, बंदेरपंच पीक से निकलती है, चंबल आपका जनपाव हिल्स विंध्या रेंज से निकलती है आपके चंबल, बानस आपकी अरावली रेंज से निकलती है, अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है इंडिया के अंदर, ठीक है। ठीक है, दिस बानस ये ओरिजिनेट होती है आपकी अरावली, अरावली इज इन द राजस्थान, और बानस अगर गंगा से मर्ज होती है तो राजस्थान ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ गंगा, ठीक है। तो गंगा बेसिन के अंदर राजस्थान आता है, ये बात मैं बार बार आप लोगों का एम्फोसिस कर रहा हूँ, इसका रीज़न है, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और समझे आप लोग सभी। हालांकि सेमी एरिड और एरिड रीजन में अपना राजस्थान आता है और गंगा का बेसिन है, ठीक है, ये सभी चीज़ें छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग आपको समझना होगा, क्योंकि वेदर यहाँ पर डिफरेंट होता है, ठीक है। बेतवा आपके भोपाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, केन आपका बाड़मेर रेंज, सोन आपका अमरकंटक प्लेटू, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था,
दामोदर आपका छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू की एक्सटेंशन ये छत्तीसगढ़ झारखंड और फिर बीच में एक गैप आ जाता है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मर्ज है, बीच में जो एरिया आता है वो छोड़कर फिर से कंटिन्यू होता है छोटा नागपुर प्लेटू मेघालय में, ठीक है, और फर्दर आपके नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जंतिया जिसको बोला जाता है। अगर आप उससे थोड़ा और ईस्ट में जाएंगे तो आपको नागा हिल्स मिलेगी, ठीक है, वो नागा हिल्स छोटा नागपुर प्लेटू की एक्सटेंशन नहीं है, वो हिमालय की एक्सटेंशन है। एक सिंटेक्सिकल कर्व लेकर हिमालयस मुड़ जाता है, ठीक है, हिमालयस ऐसे जम्मू कश्मीर से आपका अरुणाचल तक, बट एक सिंटेक्सिकल मूव लेकर एकदम टर्न कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नागा मिजो हिल्स एंड ऑल, ठीक है, और फिर आपका मेघालय के सॉरी आपका म्यांमार के अंदर उसको अराकन योमा के नाम से जाना जाता है। एंड आपको थोड़ी सी सरप्राइज भी होंगे कि उसकी एक्सटेंशन आपको अंडमान और निकोबार तक देखने को मिलती है हिमालयस की, वो सिंटेक्सिकल मूव जो है, राइट। तो एक बैरियर बन जाता है, एक डिवाइड बन जाता है सिंपली, क्योंकि जो प्लेट्स है इंडियन प्लेट्स, इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट, वो फ्लो करके आई थी यहाँ पर, मर्ज हुई यूरेशिया प्लेट से, अब वहाँ से एक वो सिंटेक्सिकल टर्न लेके डिवाइड बना लेती है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में हिमालयस, राइट, अंडरग्राउंड, यस, अंडर वाटर। ये सारा याद करना ज़रूरी है। अरे भैया रेड फोर्ट, चलिए स्माइल करूं ढेर सारा, लीजिए स्माइल आ गई गाइस फेस पे, आपने बुलाया और हम चले आए स्माइल के साथ। याद है सभी को ये सोर्सेज याद करने हैं यहाँ पर। अभी मैंने राइट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनकी सोर्सेज बताई है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना है, ठीक है जी। चलें आगे, चलिए गंगा सिस्टम, भागीरथी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि भागीरथी इज़ द मेन सोर्स ऑफ गंगा, ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, राइट। भागीरथी विच इज़ द वाटर हेड ऑफ द गंगा इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, यह अलकनंदा रिवर के साथ दो स्ट्रीम्स मिलकर मर्ज होती है देवप्रयाग पे इन द उत्तराखंड ओनली, ठीक है, और प्लेन्स की तरफ जब निकल के आती है हिल एरिया से, शिवालिक रेंज से, तो हरिद्वार के अंदर आके भैया उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, और आकर वो फैलती भी है प्लेन्स पे आकर, तो बहुत ज़बरदस्त सीन लगता है। कभी आप हरिद्वार में ब्रिज के ऊपर खड़े होकर देखिए, बहुत ज़बरदस्त सीन लगता है, कभी कभी चक्कर से भी आ जाते हैं। अरे सिद्धांत मिश्रा जी थैंक यू सो मच यार, हाँ जी निखिल गॉड ब्लेस यू। चलिए मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप ये करनी है कौन सी लेफ्ट में कौन सी राइट में है। लेफ्ट राइट कैसे डिटरमिन करेंगे, गंगा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में करेंगे, ना कि आप मैप जिस तरफ देख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, आप गंगा के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। गंगा जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन से लेफ्ट राइट करना है डिटरमिन, ठीक है। वेस्ट बंगाल की तरफ लेफ्ट साइड रहेगा, मध्य प्रदेश राजस्थान की तरफ राइट साइड रहेगा, राइट। चलिए यमुना इसकी राइट साइड पे आती है, यमुना अगर आई है तो चंबल केन बेतवा भी राइट साइड पे आएगी, सोन भी राइट साइड पे आएगी एंड दामोदर भी राइट साइड पे आएगी, ठीक है। और यमुना और गंगा का जो मिलन होता है प्रयागराज में, पहले उसको अलाहाबाद कहा जाता था, ठीक है, गंगा और यमुना का मिलन संगम जिसको बोला जाता है, आज से 10 साल पहले स्थिति कुछ और थी, तो मेरा 10 साल के बाद जाना हुआ और अपना गंगा क्लीनेज प्रोग्राम्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए उसको देखकर आई वाज शॉक्ड कि भैया इतना अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्वालिटी पानी की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। हमारे पास गाइस जब टास्क बड़ा होता है तो आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सडन
रिजल्ट आपको मिलेंगे, रिजल्ट आपको ग्रेजुअली मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो इतना बढ़िया काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, वाकई गंगा साफ है। चाहे वो वाराणसी की बात हो, चाहे आपके मिर्ज़ापुर की बात हो, गंगा वाकई साफ है। उससे मैं पहले बहुत पहले गया था तो अप टू मार्क तो बहुत बड़ा वर्ड होगा, बहुत ज़्यादा गंदी, बहुत पोल्यूटेड थी गंगा, बट नाउ बहुत क्लीन। उसका लेवल भी बड़ा है, पानी की कैपेसिटी भी बड़ी है उसके अंदर। बुक का नाम बुक बता दो भाई को, हर्षित तिवारी बता दिया जाएगा। मैं अर्पित सर को इंटीमेट कर देता हूँ और अर्पित सर आई थिंक आपको बताते भी हैं बुक का, ठीक है। क्या हुआ, लड़ाई क्यों कर देते हो एक दूसरे के साथ? चलो हाँ जी, जय हिंद। ठीक है जी, घाघरा गंडक कोसी ये रिवर नेपाल के हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ठीक है जी। ये अपना फिर मर्ज भी होती है गंगा के साथ, ठीक है। जो आपके पेनिनसुलर अपलैंड, पेनिनसुलर इंडिया या सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है, वो आपकी चंबल, बेतवा एंड सोन। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये सारे नाम आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, मेमोरीज अपनी एक्टिवेट कर लीजिए गाइस, फटाफट से बार बार इसको मगअप कर लीजिए, सब सही रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ याद हो जाएगा। फरक्का बैराज से वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, ठीक है। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा बनाती है सुंदरबंस, हिमालय से लेकर अपना वेस्ट बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक, ठीक है। सुंदरबंस जो डेल्टा है वो एक मैंग्रोव है, वहाँ पर बहुत ही मार्शी लैंड आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर कल्टीवेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, सारा का सारा मिनरल्स मटेरियल एक्यूमुलेट कर देते हैं एक ही जगह पर। ज़्यादा मटेरियल भी अच्छी बात नहीं है कि एक्यूमुलेट हो, जैसे बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, चाय के अंदर शक्कर ज़्यादा कर देंगे तो चाय फिर भी टेस्टलेस लगेगी और पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे ही मिनरल्स अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे लैंड पर और पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी तो पानी सलीन भी हो, सॉरी जो करैक्टर है ज़मीन का वो सलीन भी हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है, फिजिबल नहीं है। सेम वही आपके सुंदरबंस मैंग्रोव में होता है गाइस, पानी ज़्यादा आ जाता है तो सैलिनिटी भी हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स वहाँ पर मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वह एक मार्शी, एक दलदला, एक कीचड़ जैसा एरिया बन जाता है, ठीक है। वहाँ की अपनी कल्टीवेशन है अलग, वहाँ पर आपको क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स में घड़ियाल्स, उसके साथ टर्टल्स, ठीक है। और एक हमारे ज़बरदस्त एक प्राणी है जिसका नाम है बंगाल टाइगर, वो भी आपको मैंग्रोव्स में ही मिलेंगे। ज़बरदस्त, मतलब ब्यूटी देखते ही बनती है बंगाल टाइगर की। उसका जो पंजे का साइज़ है आम इंसान के मुंह के बराबर होता है ना, अगर एक पंजा मारेगा तो गंजा कर देगा वो, ज़बरदस्त उसका साइज़ होता है हाथ का, और लायन से अच्छा खासा उसका बिल्ट होता है वेस्ट बंगाल का। ये मैं आपको बायोडाइवर्सिटी भी बीच बीच में बताए जा रहा हूँ, ठीक है जी, क्लियर। शो मी अ थम्स अप साइन दोज़ हू आर सेटिस्फाइड एंड लिसनिंग, एक बार लाइक्स बढ़ा दो गाइस सारे, शाबाश। चले गाइस, चलिए बाय, सॉरी मैंने बाय क्यों बोला है, आई डोंट नो मैंने बाय क्यों बोला है, क्यों मेरे मुंह से बाय निकला है। चले गाइस, शाबाश, फटाफट से एक बार हार्ट इमोजीज आ जाए, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता लग जाए कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ आ रहा है सभी को, और लड़ाई एक दूसरे से नहीं करनी, अगर लड़ाई हो भी गई है तो हैंडशेक करो, गले से गले मिलो और बात को ख़त्म करो। ये धरती मेरी माँ है ना, वही वाला सीन। चलिए शाबाश, हाँ जी शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आप लोग हंस भी रहे हैं, बाय निकला था मुंह से उसके ऊपर, आप लोगों की हंसी भी आ रही है देख रहा हूँ। चलिए जी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उसमें से जो मेजर
ट्रिब्यूटरीज है वो आपके पेनिनसुलर इंडिया या सेंट्रल हाईलैंड से। सेंट्रल हाईलैंड गाइस आपका बसाल्टिक है। बसाल्टिक मींस ड्रिफ्ट अपार्ट फिनोमिना से बना है। जो पेनिनसुलर इंडिया है वो आपका आफ्टर शॉक एक्सपीरियंस किए थे जब मोजाम्बिक जाम्बिया के पास से, नॉट जाम्बिया, मोजाम्बिक के पास से फ्लो करके आ रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जैसे ही वो टकराया तो उस लचीलेपन की वजह से उसने एक्सपीरियंस किया हाईलैंड्स। तो अपना वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ लेकिन इरप्शन नहीं हुई है, लेकिन जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो आपका पूरा का पूरा बसाल्टिक है। इट मीन्स कि वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जब गोंडवाना के पास इंडिया था तब हो चुकी थी, ठीक है। चलिए, तो राइट साइड पे भैया आपकी यमुना आती है। यमुना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो कि बंदेर पंच पीक गढ़वाल रीजन उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। 6000 मीटर की हाइट पर है और यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ग्लेशियर मेल्ट होता है तो एक स्ट्रीम निकलती है, ठीक है, जिसको यमुना बोला जाता है, ठीक है। इट अक्रॉस दी नाग टिब्बा दी मसूरी एंड दी शिवालिक रेंज, यमुना आपका, ठीक है। इट एमर्ज आउट ऑफ द हिली एरियाज एंड एंटर प्लेन नियर कहां पर, पोंटा साहिब से प्लेन्स में एंटर होती है। ये पोंटा साहिब थोड़ा सा हिली रीजन है, ठीक है। उसके बाद यमुना नगर एब्सोल्युटली प्लेन है, ठीक है, और यहीं पे बराज बनाया गया है जिसको आप हथनी कुंड बराज बोलते हैं। हथनी कुंड बराज से पानी रिलीज होता है तो कैसे हरियाणा में बाढ़ आ जाती है और उसके साथ साथ दिल्ली में भी अच्छी खासी बाढ़ आई जाती है, ठीक है, क्लियर। बंदेर पंच ग्लेशियर बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की, दिस वन, यहाँ से ये बहती हुई जा रही है अलाहाबाद पे, गंगा से मर्ज होती है, दिस वन इज गंगा हेयर, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज फर्दर कौन कौन सी है, चंबल सिंध बेतवा केन इम्पोर्टेंट है, एंड आपके चंबल से ही बानस मिलती है गाइस, ठीक है, हेयर, एंड आपके चंबल से काली सिंध भी मिलती है, एक चंबल से आपको पर्वती रिवर वो भी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी और चंबल के साथ मर्ज होती है आपकी बानस, काली सिंध एंड पर्वती, ठीक है, इम्पोर्टेंट, क्लियर। चंबल के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चले हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, चाहे वो इरीगेशन फैसिलिटी के लिए हो या फिर वो पावर जनरेशन के लिए हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आपके चले हैं चंबल रिवर के पास। चंबल रिवर जो कि जनपाव हिल्स विंध्या रेंज में ओरिजिनेट होती है 700 मीटर्स की हाइट पर, ठीक है जी। और भैया ये मालवा प्लेटू से फ्लो करती हुई पास थ्रू करती निकलती है इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और रेनफॉल इट मीन्स ये नॉन पेरिनियल है, ठीक है, नॉन पेरिनियल है इट मीन्स ये, ठीक है। और रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि, क्यों ज़्यादा होती है गाइज, उस एरिया में वेस्टर्न घाट्स के पैरेलली चलती है आपकी मानसून की हवाएं और उनको बिल्कुल जगह नहीं मिलती है कि वह एंटर करें। अगर एंटर कर भी जाएंगे तो वहाँ पर कौन सी रेनफॉल होगी, मैंने कल बताया था आपको, ओरोग्राफिक रेनफॉल अगर होती भी है तो वो लीवर्ड साइड पर ड्रॉट पैदा करती है और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो गाइज वो पैरेलली चलती है डायरेक्शन के हिसाब से। जब पैरेलली चलती है तो नदन वेस्टर्न घाट्स पर उसको एरिया मिलता है एंटर करने के लिए इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो भैया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये एरिया मिलता है इसको बारिश करने के लिए, ठीक है, इसलिए वहाँ पर रिवर बहुत अच्छी खासी होती है और ये रेन फेड रिवर है, नॉन पेरिनियल रिवर है और उसके साथ साथ लेके आती है एक बाढ़ जैसी, फ्लड लाइक सिचुएशन, ठीक है। जब फ्लड लाइक सिचुएशन होगी तो क्या होगा गाइस, इरोजन होता है तो ये एक एरिड या सेमी एरिड रीजन बनाती है वहाँ पर, ठीक है, ये एलुवियल एक्यूमुलेशंस नहीं करती है, ठीक है। 1050 किलोमीटर की इसकी पूरी लेंथ है चंबल की, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी अच्छी रिवर है गाइस। क्या रिपीट करूं, किसने पूछा है, विजय सिंह, हाँ जी विजय सिंह बताइए,
विजय सिंह, विजय सिंह क्या समझ नहीं आया? आपसे पूछ रहा हूँ बार बार गाइस, बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा तो क्या होगा? पानी एक जगह तो रुकेगा नहीं, रुकेगा तो सैलिनिटी बढ़ाएगा, ठीक है। अब वो क्या होता है, इतना ज़्यादा पानी पूरा पैसिफिक अपना ओशन से पानी लेके आई है हवाएं, अब वो छुटमुट बारिश तो करेगी नहीं, बारिश अच्छी खासी करेगी, है ना। अब वो बारिश इतनी ज़्यादा होती है, बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि फ्लड लाइक सिचुएशन आती है। बारिश कैसे होती है गाइस? मानसून की हवाएं आई, कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट हैंड पे टर्न होगी वो, ये तो पता है आपको, मालूम है ना। चलिए, ITCZ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, अब वो इक्वेटर के पास से राइट हैंड पे टर्न नहीं होगी, अब वो टर्न होगी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, क्योंकि गर्मी और जो सन है वो ओवरहेड कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इट मीन्स इंडिया के ऊपर। इंडिया के एकदम कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ पे, इस रीजन में। अब जो भी हवाएं आएंगी इक्वेटर से सीधी आ जाती है, राइट हैंड टर्न नहीं होती है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स कम है वहाँ पर। अब वो एक्सपीरियंस करेगी कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा कहाँ पर? जहाँ पर सन ओवरहेड है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस एरिया में। इंडिया में जो मानसून की हवाएं हैं वो जैसे ही पहुंचती है पेनिनसुलर इंडिया में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है वो जब इंडिया की तरफ आता है तो वो एक्सपीरियंस क्या करता है कि यहाँ पर तो पहाड़ हैं, यहाँ पर तो चट्टाने खड़ी हुई हैं, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसने तो फ्लो करके जाना है भैया, ठीक है। अब वो पैरेलली चलती है किसके? वेस्टर्न घाट के। वेस्टर्न घाट के जैसे ही वो पैरेलली चलती है तो उसको जगह नहीं मिलती, कुछ कुछ जगह मिल जाती है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के बीच में घाट्स आ जाते हैं, वहाँ से वो एंटर करके बारिश कर देती है कुछ हवाएं। लेकिन जो मेजर पोर्शन है हवाओं का, उसको जगह कहाँ मिलती है एंटर करने के लिए, राइट हैंड मुड़ने के लिए, जो कि ITCZ की वजह से मुड़ना ही मुड़ना है उसने, ये तो नेचुरल फिनोमिना है। उसको जगह मिलती है मध्य प्रदेश, राजस्थान एरिया में, क्योंकि वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, और उससे आगे हिली एरिया, सतपुड़ा रेंज एंड विंध्याचल उसको मिलते हैं, तो एकदम एरिया मिलता है उसको एंटर करने के लिए। वहाँ पे होती है बारिश, और वो जो बीच का पैच है वेस्टर्न घाट्स एंड विंध्यास का, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है, फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है ज़्यादा पानी होने की वजह से। वहाँ पर जो चंबल रिवर है बैड लैंड्स बनाती है, अलुवियल सॉइल नहीं बनाती है, क्योंकि मटेरियल कैरी करके नहीं ला रही है वो, ठीक है। वो पानी एकदम से उसको मिला है, वहाँ पर इरोजन होगी, पानी तो बह के जाना ही जाना है उसने, तो वहाँ पर इरोजन होता है, ठीक है, वहाँ पर मटेरियल का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, तो वो इसलिए इतना पानी सीजनल रिसीव कर लेती है, फिर भी वो एक सेमी एरिड रीजन में आता है, ठीक है, ठीक है जी, आप क्लियर है? अब तो पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने सारा जोड़ दिया, मानसून भी जोड़ दिया, टोपोग्राफी एंड ऑल एवरीथिंग सब कुछ। क्लियर? विक्रांत ने पूछा था क्या नाम था आपका, मैं भूल गया हूँ, सॉरी, मैं एकदम से मेरे स्किप हो गया माइंड से। अब आया समझ आपको? विजय, यस विजय, नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू सो मच यार, लव यू टू यार। चंबल रिवर पानी इतना रिसीव करती है और उस पानी को हम यूटिलाइज ना करें, उसको इकट्ठा ना करें, उसको कंजर्व ना करें, उसको प्रिजर्व ना करें, तो भैया बेवकूफ़ी हमारी है, ठीक है। उसमें नेचर की तो कोई गलती नहीं है, नेचर ने तो इतना हमारे को आशीर्वाद दिया है कि भैया बारिश अच्छी खासी होती है, पानी अच्छा खासा मिलता है, सीनिक ब्यूटी डिफरेंट डिफरेंट है अपने पास, ढेर सारा खाना खा सकते हैं आप, अगर आपने भैया कश्मीर जाके कश्मीरी खाना खाना है, कश्मीरी खाना खा सकते हैं, पंजाबी खाना खा सकते हैं, यूपी का खाना खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी अपने पास और क्या चाहिए, है ना, और क्या चाहिए हमें, तो भाई भगवान का आशीर्वाद है अपने पास। तो
तो जितना पानी चंबल रिवर रिसीव करती है वहाँ पर डैम्स बनाए गए हैं, ठीक है। डैम्स मदद करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे कि पावर यूटिलाइजेशन या पावर व्हाट यू कॉल इट क्या बोलेंगे इसको, पावर जनरेशन, ठीक है, पावर जनरेशन और उसके साथ साथ इरिगेशन, ठीक है, दोनों का काम यहाँ पर हो जाता है। गांधी सागर डैम बनाया गया है, चार इम्पोर्टेंट डैम्स बने हुए हैं चंबल में। एक है गांधी सागर, पहला डैम बनाया गया था चंबल रिवर के ऊपर राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के ऊपर। सेकंड वन इज दी राणा प्रताप सागर डैम, आप लोगों ने ध्यान से सुना मैंने क्या नाम लिया है अभी, दी राणा प्रताप सागर डैम लोकेटेड 52 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम ऑफ गांधी सागर डैम, पीछे की तरफ 52 किलोमीटर दूर दी राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है जी, चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में, चंबल के ऊपर ही बना हुआ है। उसके बाद दी ज्वार सागर डैम थर्ड डैम है भैया इस सीरीज का, ठीक है जी, कोटा के अंदर ये बना हुआ है। और उसके साथ साथ कोटा बैराज, बैराज क्या होता है गाइस, पानी रोकने का काम आता है, ठीक है, एक रिजर्वेयर टाइप बना हुआ है यहाँ पर, ये भी कोटा के अंदर है। तो चार चीज़ें गाइस यहाँ पर, एक गांधी सागर, राणा प्रताप सागर डैम, सेकंड थर्ड वन इज जवाहर सागर एंड दी कोटा बैराज, ठीक है जी, क्लॉकवाइज नाम के साथ एक बार मैच कर दीजिए, ठीक है। इतना पानी सेमी एरिड रीजन में देखकर और सोचकर मुझे हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है कि भैया इतना पानी आ जाता है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर काम चल जाता है ना। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का काम हो जाता है वहाँ पर, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाती है, वहाँ के जो लोग हैं वो लाइवलीहुड अपना निकाल सकते हैं, कोई फैमीन जैसी सिचुएशन नहीं बनती है, खाने को एम्पल है अपने पास, ठीक है, पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर अपने को प्राउड फील होता है इस टाइम पर। पवित्र साचान, लास्ट वाला पॉइंट, बैराज, कोटा बैराज बना हुआ है गाइस, बैराज मीन्स एक रिजर्वेयर काइंड ऑफ बना हुआ है कोटा में, ठीक है, वहाँ पर आप पानी को रोक सकते हैं और उसका उसको फर्दर रिलीज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो रिलीज़ करना पड़ेगा, कम होगा तो हमें उसका जो लेवल है मेंटेन करना पड़ेगा, वो तो बारिश आने पर ही मेंटेन होगा, ठीक है। तो पानी को, पानी की यूटिलाइजेशन बैराज में रिजर्वेयर बनाकर, कहाँ पर, कोटा बैराज। क्लियर एवरीथिंग चंबल रिवर पे, इसके ऊपर से जब ट्रेन जाती है तब भी बड़ा जबरदस्त लगता है सीन, पानी को रिलीज किया जाता है और पहुंचाया जाता है पावर को जनरेट करने के लिए, कहां पर, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर, दी राणा प्रताप सागर, द नेम इज नॉट रिटन प्रॉपरली हियर, दी राणा प्रताप सागर डैम एंड दी जवाहर सागर डैम, ठीक है जी। कोटा बैराज से पानी निकाला जाता है और कोटा बैराज से ही पानी पावर जनरेशन के लिए भी दिया जाता है और साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी दिया जाता है मध्य प्रदेश को और राजस्थान को, जो कि सेमी एरिड रीजन में, और राजस्थान को पूरा पूरा एरिड रीजन, डेजर्ट टाइप वहाँ पर क्लाइमेट, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क चंबल रिवर से ही उसको भी पानी मिलता है, ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है जी। चंबल की दूसरी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, बानस, सिंध, बानस पर्टिकुलरली रिलेटेड विद चंबल, ठीक है, सिंध, बेतवा, केन, ये इंडिविजुअल है और ये जाकर मिलती है यमुना से डायरेक्टली, ठीक है जी। बानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, इट्स रिटन हेयर, ठीक है। उसके साथ बाद हम चलेंगे सिंध रिवर के ऊपर, सिंध विदिशा प्लेटू मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और वो यमुना से जाकर मर्ज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बेतवा रिवर जो कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट विंध्या रेंज से ही उठती है और यमुना में मर्ज हो जाती है जाकर, टोटल उसकी जो लेंथ है वो है 590 किलोमीटर, चंबल से छोटी है ये, ठीक है। धासन इज इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ये एक ट्रिब्यूटरी बेतवा की धासन, याद रखेंगे सभी। केन रिवर भैया बाड़मेर रेंज ऑफ दी मध्य प्रदेश, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और यमुना से मर्ज हो जाती है चीला के पास, चीला, ठीक है।
बस करूं, क्लियर हो गया गाइज। यहाँ पर मैंने ओरिजिनेट जो पॉइंट है वो सब बता दिया है आपको, सोन का, केन का, बेतवा का। आपने करना क्या है, अच्छे से बस यूटिलाइज करने हैं सारी नॉलेज को, और बिल्कुल याद कर लेना। एक रिवीजन से बात नहीं बनेगी, दो से नहीं बनेगी, तीन से नहीं बनेगी, एटलीस्ट 4 times पढ़ेंगे तब जाकर आपको याद होगा, ठीक है, तब जाकर आपको होगा याद। दामोदर, दामोदर रिवर, ये जो आपका एक पोर्शन है ये है किसका, गंगा का, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है उसकी, ठीक है। यमुना, सोन एंड दामोदर, ये तीन आती है, ठीक है जी, ये तीन आती है, क्लियर। मैं जरा पानी पी लू गाइस, एक मिनट। ठीक है जी, दामोदर रिवर, क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी, क्या हो गया सर, पार्क किधर है? पार्क है गाइस आपका भरतपुर राजस्थान में, क्योला दियो, क्योला दियो है आपका भरतपुर राजस्थान। बस करूं, बस चलिए एक बार सभी को आप रीड कर लेना, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए, इम्पोर्टेंट डिमार्केशन सब चीज़ की कर दी है, कैटेगराइजेशन सब कर दिया है, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है, देखना है, समझना है। एक बार, दो बार, तीन बार, एटलीस्ट 4 बार पढ़ेंगे तब जाकर आपको चीज़ें होगी याद। राइट एंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज का मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छे खासे हैं अभी अपने पास। इसके बाद एक स्लाइड आएगी गाइस बीच में आपके पास, इसके बाद एक स्लाइड आएगी आपके पास जिसके अंदर विराज बने हुए हैं भागीरथी के ऊपर, ठीक है। दिस वन इज भागीरथी, दिस इज अलकनंदा हेयर, दिस वन इज भागीरथी, दिस वन इज अलकनंदा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जो आप पॉइंट देखेंगे, ठीक है, ये तो जो येलो में है ये डैम्स हैं, जो रेड में है ये बैराज बने हुए हैं, ठीक है, बैराज जो कि स्टोर करने के काम आते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली हम बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करने वाले रीजंस हैं, यहाँ पर ये टॉपिक्स निकल के आते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, हाई कोर्ट हियरिंग, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है जी। टेरी डैम ऑन द भागीरथी रिवर, टेरी, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पर, यहाँ पर जैसे आप पूछ रहे थे तो क्रोकोडाइल तो मिलता है अपना फ्रेश वाटर में, ठीक है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं क्रोकोडाइल, जिसको आप मगरमच्छ बोलते हैं, तो मगर क्रोकोडाइल। एंड द डेल्टा इज द होम ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दिस वन इज मगरमच्छ, दिस इज सॉल्ट वाटर, इससे कुछ मिलता जुलता ये एलिगेटर जिसको आप लोग घड़ियाल बोलते हैं, ये भी आपको डेल्टाज में मिलेगा, राइट। तो दिस वन इज योर घड़ियाल, दिस वन इज योर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दिस वन इज योर मगरमच्छ, दिस इज द फ्रेश वाटर एनिमल ऑफ गंगा, ठीक है जी। तो सर कुछ मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, उसके साथ साथ आपकी नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है आपकी गंगा की डॉल्फिन, ठीक है, ये जबरदस्ती, ये गंगा की डॉल्फिन है गाइज, ये थोड़ा वल्नरेबल से नियर एक्सटिंक्ट लाइक सिचुएशन में है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको टेरी डैम एंड दूसरे डैम्स एंड बैराजेस बताए थे उससे डायरेक्टली मगरमच्छ और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड योर नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा का जो डॉल्फिन है उसको कैसे हैम्पर करता है, वो पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है और थ्रेटेंड कर रहा है इन सभी की लाइफ, ठीक है। ये सब चीज़ों को एक बार अच्छे से देखना है, समझना है, एक बार में नहीं होगा गाइज, आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस, ठीक है, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज हु वी आर, दिस इज व्हाट वी डू, लिव फॉर नथिंग एंड डाई फॉर समथिंग, अच्छे से पढ़ना है सभी ने। अंदर की अगर आग है उस आग को बुझने नहीं देना है, ठीक है,
ये मैं शेयर कर देता हूँ अभी आप सभी के साथ पीडीएफ फाइल, ये पीपीटी था, मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, ठीक है जी। क्लियर, मज़ा आ गया। एक बार हार्ट इमोजीज भेज दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए गाइस, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए और अपना उसको यूटिलाइज कर पाए। चले गाइस, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।